वेलकम फ्रेंड्स। सो फाइनली 1.5 साल के इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है जबकि हम कुछ दोस्त मिलकर जाने वाले हैं एक ट्रिप पर, दिल्ली टू गोवा, और 3 दिन वहाँ पर स्टे करने वाले हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है और देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और टोटल 4 दोस्त हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जिनमें से कि 2 दोस्त हम दिल्ली NCR से हैं और 2 दोस्त मेरे, एक पुणे से और एक मुंबई से वहां पर पहुंच रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी फन एंड आई एम गोइंग टू कीप यू पोस्टेड। सुबह के करीब 6:30 बजे, 9 बजे की मेरी फ्लाइट है और अच्छा मौसम है, बारिश शायद हो सकती है आज, और हमारी कैब काफ़ी टाइमली आ गई है यहाँ पर। और ये हमारी कैब है, ये हमारे ड्राइवर साहब, गुड मॉर्निंग जी, काफ़ी टाइम पे आ गए हैं और मेरे को उम्मीद नहीं थी टाइमली पहुंचेंगे, बट एकदम परफेक्ट टाइम पर है, थैंक यू। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मैं पहुंच गया हूं और अब मैं यहां पर इंतजार कर रहा हूं अपने दोस्त का जो कि गुड़गांव से यहां पर आ रहा है, और फिर हम अंदर अपनी सिक्योरिटी चेक के प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, वी आर मूविंग टू बोर्ड द फ्लाइट टू गोवा and relax and chill. We are in the flight और अब बहुत ही जल्दी we are going to fly to Goa. I'll keep you posted. फ्लाइट करीब करीब आधा घंटा पहले ने हमको पहुंचाया है और शेड्यूल टाइम जो है वो था 11:40, बट 11:10 पे हम लैंड कर गए हैं। गुड। और टैक्सी के लिए अब हम ढूंढने वाले हैं टैक्सी को, लेट्स सर्च फॉर द टैक्सी। तो वेलकम बैक, और अब हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर जो कि है कलंगू प्रेसिडेंसी। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है और यहाँ से एकदम बीच का व्यू आता है। एक बार चेक इन करके अच्छे से आपको रिजॉर्ट का एक टूर कराऊंगा, कुछ इस तरह का अगर आप अभी देखना चाहें कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त और हम अपने होटल से, कलंगू प्रेसिडेंसी से उठकर एक अच्छी सी मॉर्निंग वॉक और एक बहुत ही अच्छी सी चाय की तलाश में यहाँ पर आए हैं कलंगू बीच पर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से बीच मेरे को पूरा दिख रहा है और हम यहाँ पर अब जाकर एक कड़क सी चाय पीने वाले हैं ताकि हमारी नींद टूट जाए, कल की जो थकान है वो मिट जाए और वी विल बी ऑल सेट फॉर टुडे टू हैव लॉट ऑफ फन। लेट्स हैव सम टी। अगर कुछ बहुत अच्छा है ना दोस्तों, तो वो सुबह उठ के बीच पर आके वॉक करने का मज़ा जो है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, कितना सूदिंग, कितना रिलैक्सिंग ये लगता है, ऐसा ये अलग ही फीलिंग है, एक अलग लेवल की फीलिंग है, और दैट इज़ द फीलिंग विच कॉल्स मी अगेन एंड अगेन बैक टू गोवा। समंदर की लहरों की जो आवाज़ है वो ही इतनी रिलैक्सिंग लगती है अपने आप में, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस चीज़ का एक्सपीरियंस अलग ही एक्सपीरियंस है। पीछे से आते हुए ठंडे ठंडे पानी की समंदर की लहरें, क्लाउडी मौसम, देख सकते हैं आप कैसा शानदार मौसम है इस वक्त, कभी भी बारिश हो सकती है, और पीछे यहाँ पर शैक्स लगी हुई हैं, हमने रात को इन्हीं शैक्स में डिनर किया था, बहुत ही ऑसम एम्बियंस था, बहुत अच्छा माहौल था, म्यूजिक था और खाने की क्वालिटी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत लाजवाब थी, बट इट वॉज स्टिल गुड। लेकिन जो टाइम दोस्तों के साथ यहाँ पे स्पेंड किया है वो बहुत ही ऑसम टाइम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और यहाँ पर इस पर क्या देखने को मिलता है। ये वॉक
सेशन हमारा काफ़ी लंबा हो गया है और इस वक्त 7:50 हो रहे हैं। हम करीब करीब लगभग 1 घंटे से वॉक कर रहे हैं और केलंगुट बीच से वॉक करते करते हम आ गए हैं कैंडोलिम बीच के पास। और कैंडोलिम बीच पे मुझे थोड़ा सा देखने में ऐसे लगा पर्सनली जो सैंड है यहाँ पर वो थोड़े और मोटे हो गए हैं इसके पार्टिकल्स। केलंगुट में थोड़े और पतले थे और शायद जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं थोड़े मोटे होते जा रहे हैं। अगर आप चप्पल वगैरह उतार के वॉक करेंगे तो यू विल फील इट। हल्का हल्का सा सूरज दिखाई देना स्टार्ट हो गया है और थोड़े थोड़े से बादल भी हैं यहाँ पर, धुंध सी है, फॉग सी है। काफ़ी अच्छा एम्बियंस देखने को मिल रहा है और काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। केलंगुट से कैंडोलिम आते आते लंबी वॉक करके अब हमें लग गई बहुत ज़रूरत की भूख और यहाँ पर हमको दिखा है अच्छा रेस्टोरेंट जिसका नाम है द पार्क और हम यहाँ पर अब कुछ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इतनी लंबी वॉक करके बहुत तेज़ भूख लग गई है अब और द पार्क के अंदर आके हम कुछ खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और काफ़ी यम्मी लग रहा है। चलिए अब कुछ खाना खाते हैं। द पार्क में ब्रेकफास्ट करके हम लोग बाहर निकले हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट था, क्वालिटी ब्रेकफास्ट था और 550 रुपीज़ में हमको ब्रेकफास्ट बफे मिल गया और अच्छे से हमने खाया। काफ़ी वैरायटी थी। अगर आप कैंडोलिम पर मॉर्निंग में आते हैं और ब्रेकफास्ट आपको करना है तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आने वाली मेरी आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग इट, जस्ट मेरी एक ऑनेस्ट फीडबैक है, अच्छा लगा। वो जो आपको दूर पीछे पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे वैकटूर और अंजुना बीचेस वगैरह हैं। उससे हम जैसे जैसे इधर आते हैं तो सबसे पहले बागा बीच आता है, बागा के बाद केलंगुट आता है जहाँ पर हम लोगों ने सब स्टे किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर कैंडोलिम आता है और कैंडोलिम के आगे और कुछ एक बीचेस हैं। ये अगर आप वॉक करना चाहें तो बागा से लेकर कैंडोलिम तक वॉक कर सकते हैं, एक के बाद एक बीचेस आते हैं। और कुछ इस तरह से ख़त्म होता है गो गोवा सीरीज़ का पार्ट वन। अगले 2 दिनों में हमने और क्या क्या किया गोवा में ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार गो गोवा सीरीज़ के एपिसोड पार्ट 2 का, जो कि मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों और अपने थॉट्स को भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।